हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्लॉगर ओम और स्वागत है आप लोगों का एक और नए फ्रेश ब्लॉग में। मैं निकल पड़ा हूं एक और नए सफ़र की ओर और मेरा राइडिंग पार्टनर है हमेशा की तरह निखिल। तो हम लोग जा रहे हैं एक और नए सफ़र में। यहां से लगभग 48 किलोमीटर दूर है हमारा डेस्टिनेशन, तो देखते हैं कितना वक्त लगता है। मटकू द्वीप करके एक जगह है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग को भी दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। ये आ गया ब्रेकर, और ब्रेकर होने की एक ख़ास वजह है यहाँ पे। वजह ये है कि यहाँ पे है हमारे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट। बिलासपुर आउटर के बाद पड़ेगा ये NH 130, नेशनल हाईवे नंबर 130। अभी हमको जाना है स्ट्रेट, सीधा जाना है बैतलपुर तक। बैतलपुर से हम लेंगे लेफ्ट तो पड़ेगा मटकू द्वीप। बने रहिए वीडियो में और इन्जॉय करिए वीडियो को। राइट साइड में ओवर ब्रिज है, ये लिखा हुआ है मटकू द्वीप। तो यहाँ से हमको जाना है लेफ्ट साइड में। यहाँ से हम पकड़ लिए लेफ्ट वाला रास्ता और यही रास्ता हमको लेके जाएगा मटकू द्वीप। नेशनल हाईवे से हमने टर्न लिया, कुछ दूर आगे बढ़े लगभग 500 मीटर, तो ये गांव पड़ा और इस गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है गूगल। धान की बालियाँ निकल आई हैं, फसल पकने को तैयार है। एक आध महीने में लगता है ये फसल पक के तैयार हो जाएगी। ये लगा हुआ है बोर्ड, तो यहाँ से फिर से लेफ़्ट लेना है। और पर्यटकों की काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं मटकू द्वीप को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अपने डेस्टिनेशन के पास, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी मैं उतर रहा हूँ सीढ़ी से नीचे और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि आज का डेस्टिनेशन कैसा है। मटकू द्वीप में हमारे कुछ नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर मिले जो कि हमारा वीडियो देखते हैं। क्यों देखते हैं? भैया का वीडियो बहुत अच्छा लगता है, हम यूट्यूब में देखते हैं। चलो चलो देखा करो, धन्यवाद। आप लोगों को भी अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और लाइक। मेरे पीछे देखिए दोस्तों, शिवनाथ नदी है और ये रहा द्वीप। ये वाला बड़ा द्वीप है और उस तरफ है एक छोटा द्वीप। ये दो आइलैंड है यहाँ पे, शिवनाथ नदी चारों तरफ से और बीच में ये टापू है जिसे आइलैंड भी बोल सकते हैं। वो चलते हैं बिना देरी किए हुए इस नाव में। तो आज हम करेंगे नौका राइड, नौका विहार। तो चलिए चलते हैं नाव में। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों नौका विहार में। अभी हम लोग नदी के बीचों बीच आ गए हैं। नाव ऐसे ऐसे थोड़ा सा हो रहा है, कितना गहरा है? 50 फीट गहरा है नीचे दोस्तों। उस पार से हम आ गए हैं इस पार, अब चलते हैं इधर। यहाँ से ये सीढ़ी के रास्ते से जाना है द्वीप। इस जगह की और कुछ खासियत है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको। ये जगह बहुत पवित्र माना गया है क्योंकि ये है ईशान कोण। ईशान कोण के दिशा में जो है शिवनाथ नदी बह रही है, तो वास्तु के अनुसार से ईशान कोण में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस वजह से ये जगह काफ़ी पवित्र है वास्तुशास्त्र के अनुसार से। और ये जो है मटकू द्वीप जैव विविधता के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। ये जो पेड़ है देख सकते हैं, ये कभी जो है सूखता नहीं है, हरा भरा रहता है। पास का पेड़ बोला जाता है इसको। ये वाला पेड़ भी काफ़ी प्राचीन पेड़ है, देखिए इनके पत्तों को। यहाँ पे जो 2-3 प्रजातियों के पेड़ है पास और सिरहुल करके, ये कभी सूखता नहीं है, हमेशा सदाबहार रहता है। तो ये इस जगह की खासियत है। ये है ऋषि मंडुकेश्वर, ये इनकी तपोभूमि माना जाता है। इन्हीं के नाम में इस जगह का नाम मटकू पड़ा है क्योंकि ये आइलैंड है, एक द्वीप की तरह है, तो दोनों को जोड़ के मटकू द्वीप करके इस जगह का नाम पड़ा है दोस्तों।
ये है शेड दोस्तों, शेड के नीचे है काफ़ी प्राचीन मंदिर, तो यहाँ का मेन हाईलाइट है ये। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस मंदिर को, मेरे पीछे है प्राचीनतम मंदिर, 10वीं शताब्दी का इस मंदिर को बताया जाता है। 2012 में जब इस जगह की खुदाई हुई थी तो ये सारी मूर्तियाँ मिली थी, और ये बिखरे हुए पत्थरों को एक व्यवस्थित करके मंदिर का रूप दिया गया है। ये सारी जो है चीज़ें हैं लगभग 10वीं शताब्दी की बताया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे है काफ़ी सारे मंदिर, और ये सारी चीज़ें जो है खुदाई से मिली हुई है, लगभग 10वीं शताब्दी की है। ये देखिए एक शिवलिंग भी है इस तरफ, और मंदिर को हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, और अंदर यज्ञ और कुछ पूजा का कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी तेज लाउड स्पीकर बज रहा है। बहुत अच्छा अनुभव रहा प्राचीनतम मूर्तियों को देख के। यहाँ की कुछ और एक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हिंदू और क्रिश्चियन समाज का ये एक बहुत ही बेहतरीन समागम स्थल है ये मत्कुद्वीप। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वास्तु के हिसाब से भी ये जगह बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि ईशान कोण की ओर शिवनाथ नदी बह रही है, और ये वास्तु के हिसाब से काफ़ी पवित्र माना जाता है, तो उसके हिसाब से भी ये जगह काफ़ी पवित्र है। ये है मत्कुद्वीप में एनीकट। अगर अभी पानी का बहाव बहुत तेज है तो अभी कार या मोटरसाइकिल इस एनीकट पे नहीं आ सकती। पानी का बहाव तेज है, देख सकते हैं काफ़ी पानी का फ्लो है। अगर ये पानी का फ्लो कम हो तो यहाँ पर बाइक और कार आराम से आ सकती है। अगर पानी का बहाव बहुत तेज है तो इसलिए आपको अगर यहाँ आना हो तो नाव के सहारे से एक तट से दूसरे तट आना पड़ेगा। ये पूरा जगह मेला स्थल है मसीही समाज का। यहाँ पे प्रतिवर्ष फरवरी महीने में मेला का आयोजन किया जाता है। अभी तो काफ़ी सारे घास फूस उग गए हैं, फरवरी में हो सकता है सफाई हो, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से शायद मेला का आयोजन ना हो, लेकिन पिछले 100 सालों से ऊपर से भी इस जगह पे मसीही समाज के लोग मेला का आयोजन करते हैं। तो फरवरी में यहाँ पे मेला में बहुत भीड़ होती है। मसीही समाज के अलावा और अन्य समाज के लोग भी इस मेला को देखने के लिए आते हैं। फरवरी में ये जगह जगमगा उठता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सीन होता है यहाँ पे। फरवरी के महीने में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है, और ये दीप पूरा लाइट से जगमगा उठता है, काफ़ी सुंदर नज़ारा नज़र आता है। रात में भी इस जगह का खूबसूरती और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये है मत्कुद्वीप। तो आज का वीडियो हम यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो करिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो ज़्यादा पसंद आया तो करिए वीडियो को लाइक। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।